हेलो फ्रेंड, आपके मुझे जगत चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है कि है 002008 0Z965 नंबर का जो ऑस्ट्रेलियन का पंप है, ये मशीन पे आता है, तो उसका पूरा टेस्टिंग, पूरा बारीकी से पूरा जानकारी, पूरा डिटेल जानेंगे वीडियो में। ठीक है, अभी चलिए वो टेस्टमेंट में चला दिखाऊंगा मैं, वो दूसरा वाला 5 किलोवाट का जो टेस्टमेंट है उसमें लगाती हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ, पूरा बिस्तर से दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। ये इसका 965 का टेस्टिंग चार्ट है, F002A0Z965 अशोक लेलैंड है, एप्लीकेशन कस्टमर, और ये मशीन में आता है स्टिक। ठीक है, मशीन का पंप है और व्हीकल में नहीं आता है। और ये इसका 009 में इंजेक्टर चेक करेंगे, जिसका ओपनिंग प्रेशर 172 से 175 है, और एक क्लॉक वाइज घुमाना रहता है, क्लॉक वाइज घुमाएंगे। और इसका फ्री स्टॉक है 2.8 से 3.0, तो हम 3.0 रखेंगे, और कैम का 1 4 2 6 3 5 है। ठीक है, तो अभी मैं डायल गेज लगा दिया हूँ। ये 965 का 2018 अप्रैल का पंप है, ये BS3 पंप बोलते हैं इसको, BS3 का है ये। सबसे पहले हम इसका डायल गेज को देखिए, कंट्रोल एयर का जो गेज है उसको देखिए, ये 0 से 21 तक जाना चाहिए, ये 0 से 21 तक जा रहा है, रॉड पूरा फ्री है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेसिंग करना है। सबसे पहले मैकेनिक को ही देखना जरूरी रहता है जो टेस्ट बेंच में काम करते हैं, क्योंकि फिटिंग वाला लड़का बराबर फिट किया कि नहीं वो देखना जरूरी रहता है। तो अभी डायल गेज लगा चुका हूँ, जो फ्री स्टॉक का गेज बोलता है, स्टैंड के साथ जो आता है, ये मार्केट में कहीं पे भी आपको मिल जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉस का ही यूज करेंगे, ऐसे स्टैंड गेज तो मार्केट से मिल जाता है, स्टैंड भी मिल जाते हैं। देखिए 0, डायल गेज को एक दो बार ऊपर नीचे करना रहता है, ऊपर नीचे करने के बाद ही 0 मिलाने का। ये देखिए अंदर का जो 1 नंबर का टाइपेड है, नीचे से ऊपर आना चाहिए, नीचे से ऊपर अगर आ रहा तो ठीक है, उसके बाद हमारा फायरिंग ऑर्डर क्या है, 1 4 2 6 3 5, तो 1 नंबर अगर ऊपर उठ रहा उसके बाद कौन सा उठेगा, 4 नंबर उठ रहा, देखिए 4 नंबर उठ रहा, तो अभी ये फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से बराबर है। ये देखने के बाद आपको कंट्रोल रॉड को सेंटर में रखना है, ठीक है, सेंटर में बीच में रख के फिर डीजल प्रेशर बढ़ाना रहता है, ठीक है, सेंटर में रख के डीजल प्रेशर बढ़ाना रहता है। और कभी कभी जैसे एक भाई कमेंट किए थे कि मेरा डीजल नहीं आ रहा, तो उसके कंडीशन में वो सेंटर में रखो और टाइपेड को ऊपर नीचे करो एक दो बार, फिर प्रेशर दो। देखिए 0 से फिर 0 गया 1, फिर 0, 0 से 0 1, फिर 0 से 2 हो गया, 3 हो गया, 3 पे होने के बाद इधर पट्टी पे देख सकते हैं आप, ये हुल के आसपास जो भी अंक आपको अच्छा लगता है वो अंक में मिला लेने का। मैं तो ऐसे यहीं पे ही मिलाता हूँ कोई भी पंप को, ठीक है, पट्टी को हम मिला दिए। अरे 360 डिग्री का ये है, अगर 6 सिलेंडर है तो 360 डिवाइड 6 करेंगे तो 60 डिग्री में एक कट ऑफ होगा, एक सिलेंडर 60 डिग्री में कट ऑफ होगा। दूसरा फायरिंग ऑर्डर क्या है, 1 4 4 नंबर यहाँ पे कट होगा 60 डिग्री में, फिर वहाँ से 6 गिनने का 60 डिग्री, और ये 2 सिलेंडर में काम नहीं करते, ये थ्योरी मतलब से 2 सिलेंडर छोड़ के बाकी सभी में 360 डिवाइड जितने सिलेंडर है इतने डिवाइड कर देंगे, 1 4 2 6 3 5 2 नंबर, फिर 6 नंबर, ऐसे 60-60 डिग्री में आप कट ऑफ कर लेने का, ठीक है। अभी देखिए मैं 3 पे तो हम पट्टी मिलाए थे, लेकिन अभी इसका कितना जा रहा है, 90 के आसपास है, हमारे को कहाँ तक होना, 3 तक होना, 3 mm तक, तो उसको क्या करेंगे, डायल गेज को निकाल देते हैं, डायल गेज निकाल के टाइपेड को थोड़ा ढीला करके नीचे का नट को ढीला करना है, फिर ऊपर का नट को टाइट करना है, ठीक है। ये देखिए अभी हम 30 पे आसपास सेट किए थे, वो इतना गैप है, सेट कहाँ किए थे गेज में, 3 mm में वहाँ पे सेट किए थे, अभी गैप है, तो इसको क्या करना है, नीचे के नट को ढीला करना है, नीचे का नट को ढीला करके ऊपर के नट को नीचे लेना है, टाइट करना है, ठीक है, टाइट करता हूँ मैं, टाइट करके अरे देखिए पूरा डीजल कट ऑफ होना चाहिए, कट ऑफ हो गया, फिर 1 नंबर होने के बाद फिर 4 नंबर ऐसा मिला लेने का, जैसा मैं बताया हूँ डिग्री के हिसाब से 6 6 गिन की 60-60 डिग्री में। ये देखिए अभी आ गया, बराबर लाइन पे आ गया है, आप देख सकते हो, अगर ज़्यादा जाता है उधर आगे जाता है तो हमारे को ऊपर लेना पड़ता है टाइपेड को, इधर बढ़ाने के लिए टाइट मारना पड़ता,
एक नंबर मिल गया, फिर चार नंबर, एक चार, फिर दो छः, फिर छः, फिर तीन पाँच, ऐसे आप मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद एमपीसी लगाना रहता, वो बेसिक सेटिंग में नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट एमपीसी कवर ववर लगा के पूरा रीडिंग लेता हूँ। बेसिक सेटिंग में ऐसा मतलब कंट्रोलर को पकड़ के रखो फिर डिलीवरी मिलाओ ऐसा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कंप्लीट करके फिर रीडिंग फुल लोड रीडिंग डायरेक्ट लेता हूँ। ये देखिए डायफ्राम में अगर थोड़ा बहुत डॉट डॉट है, जैसे डायफ्राम को ऐसे मुड़े ना, थोड़ा हल्का ये रहता है ना, अलग जैसा दिखता है, डॉट डॉट बन जाता है, वो कंडीशन में आप चेंज कर दो, क्योंकि वो आगे जाके फटने का फट जाता है, वो फट गया कट गया तो एमपीसी अगर डायफ्राम भी कट गया तो पिकअप का इशू बहुत आता है। और खूब बनाते टाइम जरूर इसको खोल के चेक करिए, चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। चेक करेंगे तो मतलब कंप्लेन कोई नहीं आएगा, मतलब आपके तरफ से पूरा क्लियर रहेंगे, क्योंकि वो एमपीसी काम कर रहा करके बहुत सारे भाई खुलते नहीं, लेकिन हर बार खुलना ज़रूरी रहता है। खुल के आप देख लीजिए कैसा है, तो इसको थोड़ा मैं डॉट डॉट बन गया है थोड़ा उसका रबर, ऐसे तो फटा नहीं है, ख़राब हो गया करके चेंज कर दिया हूँ। उसके बाद हम कवर लगाने के पहले नूचेस गिन के लगाना पड़ता है, इसका 16 नूचेस रखना है, चार्ट में 16 दिया तो सबसे पहले टाइट करना पड़ता, पूरा टाइट करके गिन की 16 खुलना है। ठीक है, पहले पूरा टाइट मारो फिर उसके बाद खुलो इसको 16 काउंट करके, मैं काउंट करके खुल लग रख दिया हूँ 16 नूचेस। उसके बाद ये नीडल बेरिंग वेरिंग का प्ले देख लेने का, प्ले नहीं होना चाहिए, नीडल बेरिंग नहीं कटना चाहिए, बूश में प्ले नहीं होना, और जो शकल पट्टी है सब बनाने के बाद फिर लगाना है, शकल पट्टी वहाँ पे जाएगा और इसके शकल पट्टी जिधर है उसके नीचे में स्प्रिंग लगेगा, शकल पट्टी जो साइड से है वही साइड से स्प्रिंग लगाना है, दूसरे साइड से अगर लगाएंगे तो गाड़ी तो यहाँ पे रीडिंग वीडिंग तो आपका आ जाता है, गाड़ी पे थोड़ा मशीन प्रॉब्लम करता है आइडल में, जैसे घुर 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 करेगा, रॉड मतलब बराबर फ्री से वर्किंग नहीं करता है। तो शकल पट्टी जो साइड से वही साइड से लगाना है, कवर लगा दिया हूँ अभी, इसे लगाने के बाद फेसिंग भी हो चुका हमारा। उसके बाद रिटर्न वाल ओवर फ्लो वाल लगा दिया हूँ, ओवर फ्लो वाल लगाने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या है, डिलीवरी इनलेट प्रेशर देना है, 1.5 के आसपास देना है, 1.5 बार के आसपास देना है इनलाइन पंप में, रोटरी पंप में तो 0.3 से 0.4 ही देना पड़ता। सबसे पहले हमारा काम है 800 RPM स्लाइडिंग स्लो ट्रैवल पोजीशन 0.3 से 0.5, ये जो प्ले है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 8 के आसपास दिख रहा है, इसको हम कम करेंगे। ये प्ले रहना ज़रूरी है, जो कंट्रोल रॉड का पीछे में जो स्क्रूव है ना, कंट्रोल रॉड कितना खेलना चाहिए, कितना आगे पीछे होना चाहिए, इससे मिलाना पड़ता। टाइट करेंगे थोड़ा ज़्यादा जा रहा, टाइट करेंगे तो कम होता, खुलेंगे तो ज़्यादा होता है। कैप्सूल निकल दिया हमें, बाद में लगाएंगे इसको, हल्का टाइट करते हैं, 8.9 के आसपास जा रहा है। तो हमारे को 0.3 से 0.5 तो ना 7 है, तो 0.5 ही रखता हूँ मैं सभी पंप में। ये देखिए 0.5 है, 800 RPM ये स्लाइडिंग स्लो ट्रैवल पोजीशन, सभी पंप में मिलाना ज़रूरी है, सब में आप मिलाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि ज़्यादा प्ले नहीं रखना है, बराबर आपका सेंटर में ही रखेंगे तो बराबर एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए फुल लोड का 1200 RPM, कटिंग लेने से पहले एक बार फुल लोड का कंट्रोल रेट देख लीजिए कितना है, 12.25 है तो हम रखेंगे 12.3। ठीक है, हवा दे देंगे 1.5 यार दे दिया हूँ मैं, 1.5 यार देने के बाद ऐसे तो RPM आप 800 कैप्सूल खुल की है तो ऐसे कंट्रोल रॉड का कोई डिस्टर्ब होगा नहीं, आप 800 RPM भी रख सकते हैं, नहीं तो फुल लोड का RPM जो है वो RPM में लेके भी कंट्रोल रॉड मिला सकते हो। तो अभी कितना जा रहा आप देख सकते हो, 12.3 के आसपास जा रहा है, ठीक है 12.3 कंट्रोल रॉड मिल गया। उसके बाद कटिंग फुल डेलवे कंट्रोल रॉड मिलाने के बाद फिर कटिंग लेना है, गवर्नर कटिंग स्पीड 1240 से 1250
उसके बीच में 11.2 आना चाहिए और एक कंट्रोलर के अंदर बाहर करके आप मिला सकते हो। खुलेंगे तो बढ़ता है, टाइट करेंगे तो कम होता है, ठीक है। जितना लीवर दबे कम दबेगा वो कम आरपीएम है, जितना ज़्यादा दबेगा वो ज़्यादा आरपीएम बढ़ेगा। और फुल लोड का कंट्रोलर यहाँ से मिलाना पड़ता है, 10 नंबर का नट को जो सेंटर वाला है उसे खुल के भी आप कम ज़्यादा मिला सकते हो, डीजल बढ़ता है वहाँ से। अभी देखिए कटिंग का आरपीएम देखिए 1200, ये देखिए 11.2 के आसपास ज़्यादा जा रहा है वो, थोड़ा उसको कम करते हैं तो टाइट मार दिया हूँ। अभी देखिए चालीस पचास के रेंज में 11.2 के आसपास आना चाहिए। देखिए 11.2 आ रहा है, बराबर है 1150 के आसपास 11.2 आ रहा है, तो पूरा परफेक्ट कटिंग है। पहले ज़्यादा जा रहा था तो उसको थोड़ा अंदर लिया, टाइट किया हूँ। मैक्सिमम अगर कटिंग ज़्यादा, अगर आरपीएम ज़्यादा स्पीड से घूमेगा तो ज़्यादा डिलीवरी देगा तो ब्लैक स्मोक मारने का चांसेस रहेगा। कटिंग मिलने के बाद फिर हमारा काम है 1200 पे फुल लोड डिलीवरी मिलाएंगे। 53.5 दिया हाइस्ट वाला, तो 53 दिया है तो हमारा 11 इस जगह कम ज़्यादा पूरा सभी में है तो सबको मिलाएंगे। अभी 11.5 सीसी रखूँगा मैं सिंगल स्ट्रोक में, 11.5 सीसी रखूँगा। 53 दिया है तो 3-4 सीसी मैं बढ़ा के ही रखता हूँ कोई भी पंप में। एक कॉटन सील का स्क्रू ढीला करना है और जो अकेले रीडिंग मार रहे हैं पट्टी में दे देता हूँ आपको। अगर खींचने का कोई लड़का नहीं है, मशीन पे खड़ा नहीं है, तो पट्टी देख के भी आप ऐसे मिला सकते हो। 1.5 12.3 कॉन्ट्रो डैक डिलीवरी देखिए 11.5 सीसी आ गया है। और डीजल कॉटन सिल्क खुलने के बाद वो गवर्नर साइड में डीजल बढ़ता है और इधर अपना शाफ्ट जो 22 नंबर नट जिधर लगता है, गियर जिधर लगता है उधर कम होता है, ठीक है। अभी फुल लोड आप 11.5 सीसी मिल दिया। अभी हम मिलाएंगे क्रॉस अप डिलीवरी 600 आरपीएम 0.4 बूज प्रेशर होना, उसमें डिलीवरी कितना होना, डिलीवरी डीजल क्वांटिटी 40 सीसी होना है तो हमारा कितना आ रहा, 8.5 सीसी आ रहा है। 8.5 सीसी सभी में है, 8.5, थोड़ा एक नंबर जो 3 नंबर है हल्का थोड़ा ज़्यादा है तो उसको हल्का सा थोड़ा कम कर देंगे। फुल लोड में अगर बराबर भी है कि थोड़ा 19-20 है, सिंगल स्ट्रोक में रीडिंग ले रहे ना तो इसलिए थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो उसको क्रॉस अप डिलीवरी में भी थोड़ा कम कर सकते। 0.4 कंट्रोल रैक है, 11.3 है कंट्रोल रैक, ठीक है। अरे देखिए 8.5 सीसी सभी में आ गया है, अभी मिला दिया हूँ। 3 नंबर थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, हल्का थोड़ा कम किया हूँ, 8.5 सीसी हो गया। ये चक्री से सेट होता है, इसका कंट्रोल रैक ट्रैवल जो है एमपीसी के अंदर में जो चक्री है उसको नीचे लेंगे तो कंट्रोल रैक बढ़ता है, ऊपर लेंगे तो कम होता है। मतलब नीचे लेंगे तो डीजल क्वांटिटी बढ़ता है, ऊपर लेंगे तो डिलीवरी क्वांटिटी कम होता है। बाई चांस अगर गाड़ी में पिकअप नहीं रहता, कभी चढ़ाई में मार खा रहा है, तो कंडीशन में आप चक्री थोड़ा टाइट कर सकते हो। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ब्लैक स्मोक आता है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हिसाब से करना है। और फुल लोड से अगर ज़्यादा, फुल लोड से अगर आप डीजल बढ़ाओगे वो तीनों रीडिंग में आपको इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉस अप डिलीवरी विदाउट बूज प्रेशर वाला तीनों में। अभी हम यहाँ लेंगे 600 आरपीएम का रीडिंग बिना जिस बूज प्रेशर का, इसमें आपको एयर देना ज़रूरी नहीं है। इसका डिलीवरी क्वांटिटी 32 दिया है, एयर प्रेशर निकल लेने का। इसका सेटिंग यहाँ से होता है, 3 नंबर एलएनकी से कंट्रोल रैक मिलता है। डिलीवरी क्वांटिटी लिए दिया देखिए 600 आरपीएम, आरपीएम वही रहेगा 600 आरपीएम में, बूज प्रेशर नहीं देना है। कंट्रोल रैक देखिए 10.6 के आसपास है कंट्रोल रैक और डिलीवरी क्वांटिटी है 7.5 सीसी, 7.5 सीसी, ठीक है। 7.5 सीसी और चढ़ाई में अगर मार खा रहा है थोड़ा, बाकी सब माइलेज अगर सब ठीक है तो आप 3 नंबर एलएनकी से भी थोड़ा डीजल बढ़ा सकते हो, बाकी मेन फुल लोड स्क्रू को छेड़ने का जो ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा खिंचाई नहीं है तो फुल लोड स्क्रू को कम को ये टाइट मारना पड़ता है, डीजल वहाँ से बढ़ाना पड़ता है।
ठीक है। ये तीनों रीडिंग होने के बाद ये मशीन कैप्सूल भी लगाना जरूरी रहता है। कैप्सूल का सेटिंग देखिए यहाँ पे है 600 RPM, बूज प्रेशर 1.15 देना है, 12.5 से 12.7, ठीक है। फुल लोड हमारा कितना था, 12.3 था, तो क्रॉस अप डिलीवरी का क्या है, कैप्सूल का सेटिंग उससे 12.7 तक रखेंगे, ठीक है। तो ये मशीन है ना, लोड ज़्यादा, कैपेसिटी इसको ज़्यादा होना, ये देखिए 12.1, 12.7, 12.3 अभी फिलहाल है। कैप्सूल को हम लगाए नहीं, कैप्सूल लगाने के बाद उसको 12.7 तक लेके जाते हैं, क्योंकि मशीनरी ज़्यादा मतलब ये लोड पड़ता है उसको ना, इसलिए वो कैप्सूल देता है। बहुत सारे गाड़ी में तो कंट्रोल रेट इतना डिफरेंट नहीं रहता है, फुल लोड से 3-4 mm बढ़ के रहता है कैप्सूल का सेटिंग। जिसमें कैप्सूल का सेटिंग दिया है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे भाई निकल देते हैं, वो निकलना नहीं है। मैं एयर दे दिया हूँ, एयर देने के बाद देखिए 12.8 के आसपास रखा हूँ। अभी डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं कितना आ रहा, 12.8 डीजल क्वांटिटी देख सकते हो, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, 11 cc के आसपास आ रहा। देखिए फुल लोड हमारा 11.5 cc रखा था, क्रॉस अप डिलीवर जो कैप्सूल का सेटिंग है वो ये सब मिलाने के बाद कैप्सूल का रीडिंग लेना है, ठीक है। 11 cc डीजल क्वांटिटी आ रहा है कैप्सूल का, ये कैप्सूल मिलने के बाद फिर हम आइडल मिलाएंगे। आइडल का RPM क्या है, 300 5.8 से 6.0 कंट्रोल टैक दिया है, 0.6 से 1.5 दिया, तो मैं 1 cc ही रखता हूँ, 300 RPM। तो ये देखिए कंट्रोल का भी यहाँ पे है, ऊपर वाला जो स्क्रू है उससे आप 2 mm तक पहले मिलाओ, यहाँ से 2 mm तक लेके जाओ, 10 नंबर का जो स्क्रू है इसे 2 mm तक लेने के बाद 17 नंबर का स्क्रू को लगाना है। पहले 2 mm लेके गया मैं, वहाँ पे लॉक कर दिया उसको, टाइट मार देते हैं, ये देखिए 2 mm में टाइट मारा हूँ। उसके बाद 17 नंबर का लगाएंगे, ये स्प्रिंग अच्छा से चेक कर लेने का, अगर कुछ कमज़ोर है तो आप दूसरे नया ही डाल देने का, क्योंकि बनाने के बाद फिर 15 दिन 20 दिन 1 महीने में फिर कस्टमर का कंप्लेन ऐसा नहीं आने को होना कि आइडल में ये हो रहा, बंद हो रहा, कि रेस हो गया है, वो स्प्रिंग क्या टूट के अंदर गिर जाएगा तो रेस हो जाता। फिर देखिए नीचे वाले स्क्रू से 4.5 रखना है, फिर 1 cc देखिए डिलीवरी क्वांटिटी आ गया है, ये देखिए 4.5 कंट्रोल रेट है, ज़्यादा दिया, लेकिन हमारे को 1 cc अगर पहले ही मिल जा रहा है, जितने में मिल रहा है इतने में, कंट्रोल रेट को इतना इंपॉर्टेंट देना ज़रूरी नहीं है, हमारे को डिलीवरी क्वांटिटी आइडल में इंपॉर्टेंट देना है। तो 1 cc आ गया, स्टार्टिंग क्वांटिटी 100 RPM, 10.2, ये देखिए 10.2 के आसपास कंट्रोल रेट है। डीजल क्वांटिटी 4-5 cc के आसपास आ रहा है सिंगल स्ट्रोक में, ठीक है 4-5 cc आ रहा है। ये पूरा पकड़ के रखने का, जहाँ पे जा रहा है सेंटर से थोड़ा उधर जाएगा, सेंटर का जो हुल है सिलू के ऊपर में जो हुल है उससे थोड़ा गवर्नर साइड में जाएगा, तो स्टार्टिंग बराबर आता है, फिटिंग बराबर हुआ है। वो सब होने के बाद कॉटन सिलू सब स्क्रू टाइट मार लेने का, फुल टाइट मारना है, इससे तो ऑफ हो जाता है। ये सब कंप्लीट हो गया, और फ्रेंड इसका जो टेस्टिंग चार्ट है और सर्विस इन्फॉर्मेशन है वो पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि भाई कमेंट करते कि इसका सामान बताया करो, एलिमेंट डीवी क्या लगता, कौन सा क्या लगता वो बताया करो, तो उसका बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।